ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बागघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने धूमधाम के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलूरिया भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी बैंक के कर्मचारियों को बधाई दी। बागघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने धूमधाम के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक की नींव रखने वाले सदस्यों और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव बिंदल ने बागघाट बैंक के पदाधिकारियों को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद दी और कहा कि बैंक एक छोटे से कमरे से आरंभ किया गया था और आज न केवल सोलन में बल्कि अन्य जिलों में भी बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंक निरंतर विकास करता रहा और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। सोलन के लिए एक गौरवशाली दिन है, जब सोलन से एक छोटा सा बैंक 1970 में शुरू होता है, अपने कार्य का विस्तार करता है, न केवल सोलन में आगे बढ़ता है परंतु हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में अपनी शाखाएं खोल करके अपने क्रेडिबिलिटी का, अपनी कार्य कुशलता का संदेश देता है। बागघाट अर्बन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अनेक प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनाव आते हैं, उन सारी दहलीजों को पार करते हुए राजनीतिक और सारे परिवेशों को लांघते हुए हम केवल अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करते हुए समाज की सेवा करेंगे, विकास के कार्यों में संलग्न होंगे, ग्रोथ में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यह लक्ष्य लेकर के बागघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आज 50 वर्ष का पूर्ण हुआ है, इनको बधाई।